जहां पे अच्छे रोलओवर्स भी हैं और वो स्ट्रेंथ लगातार इस वीक मार्केट में भी दिखा रहा है, उसमें से एक स्टॉक कोल इंडिया भी है। एक बार कोल इंडिया को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले संतोष आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू। कल आपके एब्सेंस में भी हम ये बात कर रहे थे, आपके फिगर्स मंडे को जो इंडेक्स पर लेवल थे 18,900, तब बाजार 300 पॉइंट ऊपर था और लग रहा था ग्लोबल मार्केट्स में एक स्ट्रेंथ थी, शायद हम रिकवर करेंगे, बट बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ आपने कहा था 18,900 आएगा। क्या करना चाहिए, क्या एक एंट्री पॉइंट इस लेवल पर ढूंढ सकते हैं या फिर एक एप्ट एंट्री पॉइंट क्या होगा? यस प्रियंका, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड कोल इंडिया की बात करें तो यस, कोल इंडिया ने इस मार्केट की गिरावट में ज्यादा कोई करेक्शन दिखाया नहीं, एक छोटा सा पुलबैक दिखाया, उसी में इसने 20-day moving average पे सपोर्ट लिया कल के सेशन में। आज इस टाइम दिखा रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से फिर से आउटपरफॉर्म करने के लिए तैयार है। नीचे जब तक 300 के नीचे नहीं जाता इसमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी, ऊपर में 310 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमको 320-330 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है इस तक की। बिल्कुल, और ये आप स्टॉक देखें तो 292 से लगातार चल भी रहा है, वीक मार्केट में ये ज्यादा टूटा ही नहीं। ऐसे कुछ और स्ट्रेंथ वाले काउंट